नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों 12 जुलाई हो चुकी है। 12 जुलाई के साथ में हम आपके सामने बहुत बड़े अपडेट लेकर आए हैं कि तैनाती 51,112 पदों पर स्पष्ट सरकार, खुशखबरी 49 शिक्षक भर्ती की राह हुई आसान और चयनितों को नियुक्ति का सपना होगा पूर्ण इस दिन, 49,000 फर्जीवाड़े में छात्र और एसटीएफ को दी मात और एलटी के छात्रों को नियुक्ति दिया संज्ञान प्रदर्शन और 49,000 शिक्षक भर्ती में दूसरे मेरिट स्टॉपी एनओसी और एमआरसी पर काउंटर। दोस्तों इन सभी न्यूज की डिस्कस वन बाय वन करके इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने लेकर अवश्य ही आते हैं। दोस्तों चलते हैं न्यूज की तरफ। हाँ दोस्तों, जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास तक अवश्य ही पहुंच जाएगा कि 49,000 शिक्षक भर्ती में 49,000 शिक्षक भर्ती की राह हुई आसान। कि आप सभी को बता चलें कि 1.5 साल के विवादों में के बफर में फंसी 49,000 शिक्षक भर्ती की राह आसान होगी कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की सुनवाई 14 की जगह 15 जुलाई की करने जा रही है। पिछले दिनों शीर्ष कोर्ट ने भर्ती जुड़ी अन्य याचिकाओं की सुनवाई की, जिसपे जिस तरह से टिप्पणियां की है उसने स्पष्ट है कि शीर्ष अदालत ने सुनवाई की तारीख भले ही लंबे अंतराल पर लगाई लेकिन फैसले में अधिक समय वक्त नहीं लगा। जिला आवंटन पा चुके अभ्यर्थी 1 माह में नियुक्ति पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को बता चलें कि 3 जून को काउंसलिंग दोपहर तक हो चुकी थी और दोपहर को इसमें मतलब रोक लग गई थी और जो जिला आवंटन जिनको जिला आवंटित तो हो गया वो छात्र नियुक्ति का पाने के लिए बहुत ही बेसब्री से कर रहे हैं कि स्कूलों में 49,000 सहायक अध्यापक भर्ती विवादों में अंत नहीं हो रहा है। पहले इस भर्ती में कट ऑफ को लेकर हाईकोर्ट में लंबे समय तक फंसी रही, फिर प्रश्नों के जवाब को लेकर एन वक्त पर काउंसलिंग रोकनी पड़ी और शिक्षा मित्रों के चयन को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 37,300 पद भरने पर रोक लगा दी गई है। आप सभी को बता चलें कि पीछे एक न्यूज वायरल चल रही थी कि जो पीछे वायरल किया वो निश्चित न्यूज थी कि जो शिक्षा मित्रों के जो 37,300 पद हैं भरने के लिए जो आरक्षित कर दिए थे अब उनको भी रोक दिया गया है और साथ में इस हर बार कोर्ट में भर्ती अहम मोड़ पर स्थगन का आदेश दिया जाता है। हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने 3 जून को लिखित परीक्षा में पूछे गए 142 प्रश्न कर यूजीसी के विशेष परीक्षण के कराने के लिए आदेश दिया था। उस पर 12 जून को 2 जज की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद पर अंत कर दिया था, लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट ने आदेश की वजह से यह भर्ती आधार में है कि 2 जजों की पीठ ने रोक लगाकर प्रश्नों के विवाद का अंत कर दिया लेकिन 9 जून को शीर्ष कोर्ट ने आदेश की वजह से यह भर्ती आधार में है कि सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने 2 जजों की पीठ ने आदेश को चुनौती देने से याचिकाओं की। पिछले दिनों सुनवाई में कोर्ट ने किसी मामले को के अभ्यर्थी को राहत नहीं बल्कि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी जरूर की थी कि अगली तारीख पर सुनवाई करने का फैसला देंगे, बीच में मोडिफिकेशन याचिकाएं आदि पर सुनवाई नहीं होगी। ज्ञात होगी प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में 12 जून को आदेश आने के बाद शीर्ष अदालत का मोडिफिकेशन दाखिल करके सुनवाई का अनुरोध किया था और साथ में आप सभी को बता चलें कि अब 15 जुलाई को जो भी सुनवाई होनी होगी वो बहुत ही शीघ्र और जल्दी होने की संभावना है। और वहीं बात करें कि एलटी ग्रेड अभ्यर्थी ने दी चेतावनी चार्जशीट दाखिल होते देंगे धरना। दोस्तों आप सभी को बता चलें कि एलटी ग्रेड में शिक्षक भर्ती के तहत हिंदी एवं सामाजिक विषय पेपर आउट प्रकरण में एसटीएफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी और एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को आश्वासन मामले में सदर सीओ ने अभ्यर्थियों को कहा कि चार्जशीट दाखिल होते जल्द जारी करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों ने मांग की एलटी ग्रेड भर्तियों का 10 जुलाई को वारंट जाकर एसएसपी से मिलने का निर्णय लिया था ताकि पता चल सके कि एसटीएफ ने वाराणसी की ओर से चार्जशीट कब तक दाखिल की जाएगी और चार्जशीट दाखिल न हो पाने पर हिंदी सामाजिक विषय विज्ञान को लेकर 3,287 पदों का जल्द फंसा हुआ। हालांकि वाराणसी जाने से 2 दिन पहले ही एसएसपी प्रभाकर चौधरी का तबादला हो गया था और अभ्यर्थियों का कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। अभ्यर्थियों को वाराणसी के नए एसएसपी से मिलने का समय भी
मांगा गया है और एलटी ग्रेड मोर्चा के उपाध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यक्ष की फोन पर इस मामले पर विवेचना सीओ सदर से वार्ता हुई। अनिल के मुताबिक विवेचना में विवेचक ने बताया कि एसटीएफ वाराणसी द्वारा एलटी ग्रेड शिक्षकों की लंबित यूपी किसी सभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जा सका है और कोलकाता में केवल 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है। और वहीं बात चलें आपसे भी बता चलें कि जो आपकी 22,000 सीट हैं उनको जुड़वाने के लिए भी जो सुनवाई है वो भी 15 तारीख को मुकर्रम कर दी गई है। मतलब वो सुनवाई 15 तारीख को आप सभी के देखने के मिलेगी और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको 22,000 सीट भी उस भर्ती में जुड़ती मिले। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य लेकर आते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।